सुमित भाई, चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। आपकी बात ठीक निकली, वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। जीरो जो कोविड पॉलिसी है उसके खिलाफ जो व्हाइट और जो ब्लैंक शीट्स लेके आ गए हैं। पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है। दिसंबर में बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं टलेगा। और सर, क्या करवा दिया आपने चाइना में? क्या हंगामा मचा हुआ है? क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? कुछ हमको भी बताइए कि आखिर ये सब कुछ आपने क्या करवा दिया है? बीबी, मैं आपको बताता हूँ, 23 दफे हम IMF को गए हैं और 23 दफे हमने कोई सबक नहीं सीखा। ये कहीं ये जो चाइनी शी जिनपिंग की जो थर्ड टर्म है, ये उसकी मुखालफत में है। हम नहीं देंगे आपको कुछ, वो नहीं देंगे तो आप खत्म हो गए। That's the end. और कोई नहीं देगा, ये मत समझे चीन देगा। चीन भी थक गया है। आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंकरप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज? दोनों में रेस लगी, दोनों आर इन बिग लॉसेस। अब $45 ट्रिलियन का डेट है, ये तो ब्लूमबर्ग भी कहता है। चाइना बहुत ज्यादा नुकसान फेस करेगा ऑब्वियसली, अगर उसकी इंडस्ट्री इंडिया जा रही है। वायरल हुआ जिमी जिमी आजा आजा, जिमी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं। इसको पहले से समझ क्यों नहीं पाए चाइनीज? वैसे तो बड़े होशियार लगते हैं। ये हमारी जो वैक्सीन है जो मोदी जी को लगी, वो मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर वैक्सीन है, जो 5 बिलियन लोगों को बट रही है। तो हमें टेंशन की टेंशन नहीं है, बाकी लोगों को जिनको इधर उधर की वैक्सीनें लगी है। नमस्कार दोस्तों, आजकल इंडिया के सारे दुश्मन धू धू करके चल रहे हैं, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। चीन में तो 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जीरो कोविड पॉलिसी के कारण बंद करके रखा हुआ, लोगों के साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां पे जॉब भी नहीं है। वहां की सारी कंपनियां इंडिया में आ रही है, और यही सेम हाल पाकिस्तान का भी है। चलिए, पाकिस्तान में तो ये हमेशा होता ही रहता है, लेकिन चीन का ये हाल देख के हम लोगों को दिल से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि वो कभी भी इंडिया का भला चाहता ही नहीं हो। उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में शिफ्ट हो रही है, चाहे वो आईफोन हो, सैमसंग की बहुत बड़ी कंपनी नोएडा में शिफ्ट हो गई है, और अब फॉलकॉन की भी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में शिफ्ट होने वाली है, जिसके कारण वहां की सारी जॉब खत्म हो रही है। अभी हाल ही में एक फॉलकॉन कंपनी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि वहां के कर्मचारी के साथ पुलिस कैसा व्यवहार कर रहे थे। ये सब देख के हमें पता चल जाता है कि चीन के साथ क्या हो रहा है, और साथ ही पाकिस्तान में भी वही हो रहा है। इमरान खान के रहते हुए हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो हम लोगों के साथ ऐसा ही करेगा जैसा हम लोग पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे, वो बस पार्टी में आ जाए, बाकी सब मजा ही आ जाएगा। सुमित भाई, चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। आपकी बात ठीक निकली, वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। जीरो जो कोविड पॉलिसी है उसके खिलाफ जो व्हाइट और जो ब्लैंक शीट्स लेके आ गए हैं, क्योंकि सड़कों पे नारे तो मार नहीं सकते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे। आप क्या देखते हैं? ये कि ये जो चाइनी शी जिनपिंग की जो थर्ड टर्म है, ये उसकी मुखालफत में है। आपकी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन प्रोटेस्ट की? क्या लोग वाकई तंग आ गए हैं, या बेसिकली लोग सरकार से वहां पे शी जिनपिंग से तंग है? देखिए चीवा साहब, जो चाइना की परिस्थिति, ये मैं आपको, अरे मुझे याद है, पिछले 5-6 महीनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था ये होगा, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विल हैपन। और जहां तक चाइना की इकोनॉमी पे हालत है, वो तो मैंने 2002 साल पहले आर्टिकल लिख लिया था, वो अब भी रिकॉर्ड में है कि अभी चाइनीज इकोनॉमी मूव, क्योंकि चाइना ने हमेशा एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया अराउंड इटसेल्फ। अगर आप चीवा साहब लॉजिकली जाए, रियल एस्टेट हैज कॉस्ट ऑफ $9 ट्रिलियन। आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंकरप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज? दोनों में रेस लगी, दोनों आर इन बिग लॉसेस। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है $350 बिलियन की, अब चीवा साहब उसकी बैंकरप्सी ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाली है, बट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? 350 के बिलियन नहीं कर रहे, तब आपके $3 ट्रिलियन के जो आपका एक्सपोर्ट में नंबर वन आइटम है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो लाइन है बैंकरप्सियों की। आपको याद होगा IMF कहता था 4.4, मैंने कहा 2.3% से ज्यादा इकोनॉमिक आउटलुक मिला, 2.3 से भी नीचे आते। फूड इन्होंने चीवा साहब 60% दुनिया का स्टोर किया, 30% बच गया। तब मैंने आपने मुझसे पूछा था फूड स्टोर क्यों किया, मैंने कहा इसलिए किया कि जब भुखमरी बचेगी, काम नहीं होगा, अगर लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा तो लोग जंगली हो जाएंगे, काबू में नहीं आएंगे, जब खाना नहीं मिलेगा किसी के नहीं मानती जनता, इसीलिए दुनिया भर का खाना स्टोर कर रखा, उसका खाना भी खत्म हो रहा। आपने देखा वहाँ एक गाना वायरल हुआ जिमी जिमी आजा आजा, जिमी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं, मतलब हम ऐसा सा है, मतलब नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। उस वीडियो को सबने गायब कर दिया कि वहाँ चावल नहीं। अब हो क्या रहा चीवा साहब, ये जो डिजास्टर ऑफ चाइना में निकल रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली दे विल सून अनाउंस दे हैव डिफॉल्टेड ऑन $1.3 ट्रिलियन लोन ऑन बुलेट, जैसे CBR, BRI, OBR, CPAC जिस प्रोजेक्ट में आता था, वो भी उसमें भी डिफॉल्ट होने वाला है। अब $45 ट्रिलियन का डेट है, ये तो ब्लूमबर्ग भी कहता है, और डेट सर्विसिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है। ऐसी सूरत में क्या हुआ चीवा साहब, दो चार चीज हो गई।
पहली बात इन्होंने लोगों को अंदर डाल दिया, कोविड 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 100 करोड़ लोगों को अंदर डाल दिया, किसी को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को बाहर नहीं आने दे रहे। चीवा साहब हालत यह है जिस बिल्डिंग में कोविड निकला मेन गेट पे वेल्डिंग का मार देते हैं, अब तुम अंदर रहो मारो, तुम्हारे पास खाना है पानी है कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं, जीरो कोविड। पहली बात, अगर जीरो कोविड का मतलब है तो मतलब तुम्हारी वैक्सीन तो 100% फेल है। दुनिया भर की वैक्सीन है, जिसने भी ध्यान से लगाई सब काम कर रही, सब लोग चल रहे हैं दुनिया में, तो मास्क भी हटा दिए एयरलाइनों में, वहां जीरो कोविड। जब दुनिया में बीमारी की तुम कह रहे हो पेंडेमिक, आपको याद है वुहान पूल पार्टी इन्होंने की थी, जब दुनिया पीक ऑफ पेंडेमिक वुहान में पार्टियां मना रही, वो शैंपेन चल रही है, वो नहा रहे लोग पूलों में जी, औरतें हैं सब कुछ है, दिखा रहे हैं तो कोविड है ही नहीं, हमने तो कोविड कैंसिल किया, मतलब कॉन्कर कर दिया, डेमोक्रेसी इज अ फील्ड एंड वी हैव वन। उसके बाद चीवा साहब फिर कलाई खुलने लगी, इकोनॉमी की पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब हमने बातें कर ली। आज परिस्थिति है, अगर वो कोविड पॉलिसी हटा देंगे जीरो कोविड, लोग काम पे जाएंगे, काम पे जाएंगे, काम है नहीं, फैक्ट्रियों में दम है नहीं, एक्सपोर्ट डाउन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा नहीं, हर कोई बैंकरप्सी के कगार पे, करे तो करेगा, बोलो अंदर रखो, धीरे धीरे जितना अंदर रखेंगे उतना कम इम्पैक्ट होगा। अब दूसरी आपने लगा दी जीरो कोविड पॉलिसी, दूसरी के जब वहां काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लोग आएंगे रोडों पे, हंगामा काटेंगे, खूब हल्ला करेंगे, फिर ये जो जी जिनपिंग का थर्ड टर्म मिला इसको रोकने के लिए, लेकिन मैं अभी मानता हूँ 10 दिन हाउस अरेस्ट था, वो कहीं बाहर दिखा नहीं 10 दिनों, 10-12 दिन चाइना का प्रेजेंट बाहर दिखा, नॉट अनयूजुअल, कोई खबर नहीं उसकी, देखो दुनिया स्पेकुलेट कर रहा है। आप तो जानते हैं चाइना में 3 गैंग्स हैं, 2 गैंग्स को उसको सपोर्ट है इसलिए बाहर है, अब दूसरी गैंग मीन्स इंक्लूड्स डिविजन विद इन द पीएलए, राइट, जनरल्स विद इन द पीएलए। अब जी साहब ये जब कहानी जो मेरा हाइपोथेसिस था, जो मेरी थ्योरी थी, जो मेरा एनालिसिस था, दैट इज प्रूव्ड बाय द फॉक्सकॉन प्लांट। फॉक्सकॉन में क्या हुआ, सबसे पहले चीमा साहब आपने बोले यहाँ कोविड 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 कोविड, सबसे बड़ा कारखाना चाइना का, 2 लाख लोग और फ्लैगशिप जिसको देख देख के आप बिजनेस बुलाते हो, एप्पल जैसे को आपने फंसा दिया है। मैंने एक बार बोला था, मैं कहा चाइनीज इतने तेज हैं, अगर इलॉन मस्क जैसे को फंसा लिया, ही माइट बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन और द स्मार्टेस्ट इन्वेंटर, पर चाइनीज चक्कर में फंस गया। अब वहां क्या हुआ, बोला है जी कोविड निकला, प्रोडक्शन रोक दी पहले आपने, एप्पल कह रहा था आधा इंडिया में बनाऊंगा आधा चाइना में बनाऊंगा, फिर कहता नहीं यार पूरा ये इंडिया में बनाना पड़ेगा क्योंकि चाइनीज सप्लाई चेन नॉट अवेलेबल। देखिए हमारी जो वैक्सीन है जो मोदी जी को लगी वो मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर वैक्सीन है जो 5 बिलियन लोगों को बट रही है, तो हमें टेंशन की टेंशन नहीं है, बाकी लोगों को जिनको इधर उधर की वैक्सीन लगी है वो टेंशन ले, हमारी वैक्सीन से तो दुनिया जिंदा चाहिए साहब। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में सुना कि पाकिस्तान की हालत और चाइना की हालत कितनी खस्ती है, वो लोग अब खाने के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हाल पहले से था, लेकिन चीन में अब ऐसा हाल हो गया है, लोगों को पता नहीं कि वो कौन सा वैक्सीन लगवा लिए हैं, उनके वैक्सीन लगवाने के बाद भी वहां पे कोरोना फैल रहा है, अभी पिछले कुछ दिनों से 30,000-40,000 केस रोज आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।